हेलो दोस्तों, चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। क्रीमीलेयर परियाचिका। आरक्षण में क्रीमीलेयर की अवधारणा भी देश में मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था के थोड़े दिनों बाद आ गई। ऊंची जातियां और पिथिवा को तरजीह देने के पैरोकारों की ओर से विश्वनाथ प्रताप की सरकार के दौरान लाई गई इस आरक्षण व्यवस्था का विरोध भी हुआ था। फिर तर्क यह आया कि ओबीसी में प्रभावी जातियां ही आरक्षण का लाभ हथिया रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी क्रीमिलियर को आरक्षण की सुविधा से अलग रखने पर मुहर लग गई, लेकिन इस तर्क को आगे बढ़ाकर जब अनुसूचित जातियां जनजातियों के आरक्षण में क्रीमीलेयर की अवधारणा लाई गई और 2006 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अनुसूचित जाति और जनजाति में क्रीमीलेयर वालों को प्रोन्नति में लाभ ना देने का फैसला सुनाया। फिर 2018 में जनरल जरनैल सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की दूसरी बेंच ने 2006 के फैसले को सही ठहराया, मगर प्रोन्नति में आरक्षण खत्म करने पर दलितों की ओर से जोरदार विरोध हुआ। देश भर में जगह जगह हिंसक प्रदर्शन और बंद हुए। इससे सरकार भी हिली और अब उसने इस मामले पर विचार करने के लिए सात सात जजों की बड़ी बेंच बैठाने की मांग की। दलील यह है कि क्रीमिलेयर की अवधारणा ओबीसी तक ही सीमित है, क्योंकि पिछड़ी जातियों में कई स्तर हैं और कुछ जातियों की सामाजिक हैसियत अच्छी है या बड़ी है, किंतु अनुसूचित जातियों और जनजातियों में यह स्थिति नहीं है। अगर अगर कुछ परिवार या व्यक्तियों की स्थिति सुधरी भी है तो उनकी सामाजिक हैसियत में कोई बहुत बदलाव नहीं है। दरअसल इसे देखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, क्या एक उनकी सामाजिक हैसियत बदली है, और दूसरी उनमें आरक्षण का लाभ पाकर कितने लोगों की स्थिति सुधरी है। मोटे तौर से जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके हिसाब से बहुत ही मामूली 2% के आसपास यह आंकड़ा है। इसके अलावा इससे इन जातियों में यह आशंका भी है कि कहीं यह प्रक्रिया धीरे धीरे आरक्षण खत्म करने की दिशा में न बढ़े, इसलिए भी इस पर पुनर्विचार की ज़रूरत महसूस होती है। वजह यह है कि आरक्षण पर असली मकसद समाज में सबको बराबरी की स्थिति में लाना है और वंचितों की सामाजिक हैसियत बदलना है। बेशक राजनीतिक पार्टियां वोट को ध्यान में रखकर ऐसे मामलों में अपनी राय करती हैं, मगर इस पर विचार वास्तविक तर्करे के आधार पर होना चाहिए। याद रखिए, क्रीमिलियर वो धारणा है जिसके तहत अगर आप क्रीमिलियर में हैं तो आपकी स्थिति अच्छी मानी जाएगी, और अगर क्रीमिलियर में नहीं है तो आप को कई जगह आरक्षण भी मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। तो याद रखिए, क्रीमिलियर में जो वो लोग आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, ठीक है।